नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। स्किल इंडिया मार्ट लगातार आपको हर एक प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के टेंडर की इन्फॉर्मेशन देता रहा है। उसी तर्ज में आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो है वो जनजीवल मिशन के साथ मिलकर एक RPL कराने जा रहा है 3 जॉब रोल के अंदर, जिसमें टोटल टारगेट पूरे उत्तराखंड के लिए 6000 नंबर होंगे और पूरा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आपको मिलेगा एनरोलमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इस RFP के बारे में। तो इस RFP के लिए जो मेन और बेसिक एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले वो कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो इंडियन ओरिजिन से होना चाहिए। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और ध्यान देने योग्य बात, वो NSDC एमपैनल ट्रेनिंग पार्टनर होना चाहिए, चाहे वो फंडिंग हो या फिर नॉन फंडिंग हो। नंबर 3 पॉइंट पर, उसको RPL में या लॉन्ग टर्म जो भी प्रोग्राम अब तक उसने किए हैं उसका एक्सपीरियंस शो करना होगा। अगर मैं बात करता हूँ, एक मैट्रिक्स आपके सामने दिखाई दे रही है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या क्या देंगे, वो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है, उसमें आप 3 साल के एग्जिस्टेंस के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद CA सर्टिफिकेट जिसमें 20 लाख का हर साल टर्नओवर होना जरूरी है, और जो भी आपने पुराना काम किया है उस सारे के वर्क ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करता हूँ मैं, तो उसके बाद इशू ऑफ RFP 27 तारीख को है, लास्ट डेट 11/6 को होगी। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको, जो 3 एनेक्चर को फिल करके 11 जून तक आपको वो सबमिट करना होगा उत्तराखंड के पास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, कुछ बेसिक कंडीशंस दी गई हैं इस RPL के अंदर। आप RPL में जो फंडिंग्स नॉर्म्स हैं वो जो भी UKSDM और जनजीवल मिलकर करेगा उन्हीं फंडिंग नोट को ध्यान में रखते हुए ये RPL बनाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि टोटल टारगेट मैंने बताया आपको 6000 नंबर है, 3 ही जॉब रोल के अंदर है। कंस्ट्रक्शन के 2 जॉब रोल है, एक जनरल मैसन और एक असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, पूरे उत्तराखंड में आप कहीं भी मांग सकते हैं। उसके अलावा प्लम्बिंग का 1 ही जॉब रोल है, प्लम्बर जनरल, इसी में पूरे उत्तराखंड में आप कहीं भी मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, RPL 12 आवर का ही होगा, वो आपको पता ही है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, TOT सर्टिफाइड आपका रिक्वायर्ड है, TOT ट्रेनर आपके पास होने चाहिए और उनसे आप अंडरटेकिंग लेओगे कि वो आपके साथ आपका काम करना चाह रहे हैं। बैच साइज मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 होगा। 2 लेक्चर आपको दिए गए हैं, क्वेरिंग लेटर के लिए 1 और आपके प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लेक्चर 2 और लेक्चर 3। पेमेंट आपको 80-20 में नहीं मिलेगा, जैसे RPL की गाइडलाइन है, पूरा 100% मिलेगा। उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन करवाने के बाद जब आपके बैच वाइज जो है आप वो फोटो सबमिट करोगे सेरेमनी की, वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे एनेक्चर 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये कवरिंग लेटर है। एनेक्चर 2 में बेसिक डिटेल आपको डालनी होगी, आप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, NSDC का ट्रेनिंग पार्टनर का सर्टिफिकेट और उसकी MOU और टर्म शीट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। उसके अलावा ऑपरेशंस का बताएंगे, उसकी आप एक किस जॉब रोल और सेक्टर में आप टारगेट मांगना चाहते हैं और कितना टारगेट आपने प्रपोज किया है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक्सपीरियंस आपका पास्ट का 17-18, 18-19 और 19-20 में गवर्नमेंट फंडेड स्कीम या CSR या फिर रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सर्टिफिकेट, वो आप अपने लेटर हेड पर इसके साथ आप सारे अपने वर्क ऑर्डर अटैच करेंगे, वर्क कंप्लीशन ऑर्डर अटैच करेंगे, और उसके अलावा जो ट्रेनर्स आपके पास अवेलेबल हैं उन ट्रेनर की सर्टिफाइड डिटेल भी आप लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट CA टर्नओवर सर्टिफिकेट, ये आपको पता ही है, ये ओरिजिनल चाहिएगा। पहली बात तो आप इसको फोटोकॉपी में मत भेजिएगा, कई बार ये इश्यूज आते हैं, तो ये ओरिजिनल चाहिएगा आपको UDIN नंबर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट डेट आप मेंशन कर लीजिए, लास्ट डेट 11 जून होगी और टोटल टारगेट 6000 है और जॉब रोल 3 है, तो इस RFP को आप जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।